दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन आयातक और उपभोक्ता देश चीन में 2022 में सोयाबीन की डिमांड घट सकती है। बाजार के जानकारों का मानना है कि चीन में चारे की मांग घट सकती है, जिससे सोयाबीन की डिमांड 2022 में 6% तक गिर सकती है। नवंबर 2021 के बाद से खरीदारी में मंदी तब आई जब क्रश मार्जिन नकारात्मक हो गया था। उद्योग ने 2022 की शुरुआत में 97.2 मिलियन टन चीन के सोयाबीन आयात का अनुमान लगाया था, जो 2021 में 96.5 मिलियन टन से 0.69% अधिक था। ब्राजील में सूखे के कारण पहली तिमाही में सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति कम रही और इसकी कटाई में भी देरी हुई थी और खराब मौसम के कारण निर्यात पर असर पड़ा था। सोयाबीन की कीमतें मार्च में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी और इसके परिणाम स्वरूप चीन में नकारात्मक क्रश मार्जिन बना रहा, जिससे चीनी क्रशरों की ओर से सोयाबीन की मांग में कमी आई। चीन का सोयाबीन आयात सालाना आधार पर 18% गिरकर मार्च में 6.35 मिलियन टन हो गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों से ये पता चला है। पहली तिमाही में आयात सालाना आधार पर 4.2% गिरकर 20.3 मिलियन टन हो गया था। सर्वेक्षण किए गए बाजार सहभागियों द्वारा 2022 के लिए कुल आयात का अनुमान 92 मिलियन टन के औसत पर लगाया गया था, जो 2021 में 97.2 मिलियन टन के वास्तविक आयात से कम है, जिसका मतलब है 3.6 से 4.7% की कमी। मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।